Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sorry for the delay. Hallelujah. I was talking to Sunita Ji in Britain and some other calls. came from uh, the Caribbean island and other places. We apologize for that. Hallelujah. आइए हम प्रभु के वचन पे मनन करेंगे आज मैं आपको जो वो सीरीज है वो पूरी देना चाहता हूँ शिक्षा ताकि आप प्रभु के वचन को बारीकी से समझें Hallelujah. प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु जी आपका वचन आपकी रोशनी है प्रभु आपकी रोशनी में ही हम अपने पथ को देख सकते हैं आपकी रोशनी सबसे पहले हमारे अंदर चमकती है हमारा आंतरिक अंदरूनी जीवन हमें दिखाई देता है हमारा जीवन हमारा चाल चलन हमारा चरित्र सोच विचार कल्पनाएं भावनाएं कैसी हैं ये हम आपके कलाम की रोशनी में देख सकते हैं फिर आपका कलाम हमें हमारा मार्ग दिखाता है आपके वचन की रोशनी आपके वचन की रोशनी में हम अपना पथ देखते, है, देखते हैं अपना मार्ग देखते हैं फिर आपके वचन की रोशनी में हम संसार को देखते हैं क्योंकि इस संसार में अंधेरा मंडला रहा है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है इस संसार में लॉर्ड आई प्रे दैट द लाइट ऑफ योर वर्ल्ड विल इंक्रीज। लोर आई प्रे दैट योर पीपल विल क्रेब फॉर द लाइट ऑफ योर वर्ल्ड योर पीपल विल लॉन्ग फॉर द लाइट ऑफ योर वर्ल्ड दे विल रियली नीड द लाइट ऑफ योर वर्ल्ड दे विल नॉट मेयरली Long for traditions and rituals and superfluous kind of outer Christianity, but they will long for deeper things. For the deep of God calls unto the deep of man. May there be that craving and that longing. May you put fresh fire in every soul in every heart to long for you to crave for you, Lord Jesus, more for your, more of your glory, more of your splendor, more of your majesty, more of your holiness, more of your purity, more drawing closer nigh unto the Lord. Lord, I pray, make people make people pass through the straight gate and walk on the narrow path for the narrow path leads unto life lord teach your people to humble them and to the voice of may they deny yourself, lord hallelujah and may they say yes to you lord bearing your cross may they press through the narrow gate hallelujah and tread upon the narrow path that will lead to eternal life thank you lord this gospel is not the gospel of self gratification this gospel of the kingdom is not the gospel to get material blessing from jesus this gospel of the kingdom is not a gospel where we sell jesus as a product where we present jesus as a genie out of the lamp who will come to do all your assignment and jobs who will only perform wonders and miracles but this jesus इज द गुरु दिस जीजस इज द रेहबाई दिस जीजस इज द मास्टर ये यशु वो स्वामी है जो कहता मेरा जुआ अपने ऊपर लो अगर आपने यशु मसीह के चेले बनना है मसीह की चेली बनना है तो यीशु मसीह का जुआ लेना पड़ेगा आपको योग समझते हैं आप यीशु मसीह उस जुए में बैल की मानन जुता हुआ है दूसरी साइड आपको जुतना पड़ेगा और परमेश्वर के काम करने पड़ेंगे जुए में जुत के और फिर प्रभु कहता है मुझसे सीखो कि मैं मन का हलीम हूं फिर आपको हलीमी का करिकुलम सीखना पड़ेगा भाई और बहनों हलीमी का सिलेबस चलेगा जब तक आप जीवित रहेंगे हाल और यह सुसमाचार है हमें यीशु मसीह की मानंद बनाने का यीशु मसीह के जैसा बनाने का टू बी कन्फॉर्मड इन टू द इमेज ऑफ द मोस्ट हाई सन हालेलुया द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड हालेलुया तेरा धन्यवाद हो प्रभु हम तेरे जलाली वचन की ओर देखते हैं आज की संध्या तेरे कलाम को खोल खुदावन हमारे लिए हालेलुया तेरी महिमा के लिए तेरे जलाल के लिए खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे अगर आप ऑनलाइन आए हैं तो यीशु मसीह के नाम में वचन सुनिए ध्यान से बाइबल अपने संग रखिए डायरी रखिए, पेन रखिए नोट्स बनाएं। परमेश्वर के वचन के लिए यत्न करें जैसे आप संसार के लिए यत्न करते हैं अपने बिजनेस के लिए अपनी जॉब के लिए यत्न करते हैं ना मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए संसारिक चीज़ों के लिए उससे कहीं बढ़ के परमेश्वर के कलाम के लिए यत्न करें हाँ मैं आपको परमेश्वर के वचन को वहीं से कंटिन्यू करना चाहता हूं। मैं आपको बता रहा था उत्पत्ति की पुस्तक छः अध्याय में जेनेसिस चैप्टर सिक्स में और मैं आपको बता रहा था उत्पत्ति की पुस्तक छः अध्याय में एक बहुत ज़बरदस्त वाक्या है जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को चेंज कर दिया ह्यूमन पैराडिगम पूरे का पूरा शेप किया है जेनेसिस चैप्टर सिक्स के वाक्य ने और वहाँ हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक छः अध्याय में कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और पहले हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उनसे शादी की मैरिज वी फाइंड द वर्ड मैरिज और दूसरी बार फिर उन्होंने जब ये काम किया तो वहां हम पढ़ते हैं दे टुक देम वाइव्स उन्होंने उनको अपनी पत्नियों करके ले लिया तो so ये हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर सिक्स में तो मैंने आपको बताया एक जो ट्रेडिशनल व्यू रहा क्रिश्चियनिटी का जो तीसरी सदी चौथी सदी के अंत में करवाई। और ट्वेंटी रोमन कैथोलिक चर्च का जन्म हुआ जब जन्म तो पहले ही था लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च अस्टैब्लिश हुई कॉन्स्टेंटाइन जो कि रोम का शासक था और मसीहत को रोमन सरकार का रोमन गवर्नमेंट का जहाँ जहाँ रोमन कॉलोनीज थी पूरी रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन करार दिया गया तो मैंने आपको बताया जितने यहूदी बाइबल के संग जितने यहूदी निशान थे जितनी ज्यूइश पाते थी कॉन्स्टेंटाइन और उसके कोहोर्ट्स ने सब कुछ मिटाना चाहा रोमन कैथोलिक चर्च ने भी ऐसी एट्रोसिटीज की हैं अगर आप हिस्ट्री का अध्ययन करें तब आपको पता लगेगा कि इसके ऊपर से हर यहूदी शाप को मिटाना चाहा और जो सेथाइट थ्योरी सेथाइट थियोलॉजी कि वो जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो सेथ की औलाद हैं और वो जो डॉटर्स ऑफ मैन है वो केन की औलाद हैं ये थ्योरी लेकर आए लोग इस क्योंकि ये बहुत क्रांतिकारी सत्य है ये बहुत रेवोल्यूशनरी टीचिंग है ये लोगों को जल्दी से हजम होने वाली शिक्षा नहीं है ये शिक्षा सच्ची है और ये शिक्षा क्या कहती है <coughs> ये शिक्षा कहती है आपको मालूम पहली सदी में यीशु मसीह की कलीसिया इस शिक्षा को मानती थी यीशु मसीह के चेले इस शिक्षा को मानते थे यीशु मसीह का चेला युन्ना जो जीवित रहा यीशु मसीह के चेले युन्ना के द्वारा पॉलीकारप चेला योन्ना के द्वारा पॉलीकारप चेला बना पॉलीकारप के द्वारा आइरेनियस इग्नाइशस ये सभी चेले शिक्षा को मानते थे कि उत्पत्ति की पुस्तक छः अध्याय में जो मन जो परमेश्वर के, के पुत्र हैं वहाँ पे हिब्रू टर्म है बेनाए हा एलोहीम बेनाए हा एलोहीम परमेश्वर के पुत्र बेनाए हा एलोहीम परमेश्वर के पुत्र ये जो टर्म है स्वर्गदूतों को दिखाती है यह स्वर्गदूत थे यह विशेष किस्म के स्वर्गदूत थे जिन्हें वॉचर कहा गया है दानियल नबी की पुस्तक दो अध्याय और चार अध्याय में इनका जिक्र आपको मिलेगा वॉचर्स का ये डिस्टिंक्ट किस्म के एंजालिक बींग हैं जिन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उनके शारीरिक संबंध बनाने से बाइबल में लिखा है नफलीम पैदा हुए और सेप्टुआ जेंट और जो इसकी सेप्टुआ जेंट ट्रांसलेशन है उसके अंदर लिखा है गिगांटेस जहाँ से अंग्रेजी का शब्द निकलता है जिग जिगान्ट जाइेंटिक बहुत बड़े 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 दानव पैदा हुए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेनेसिस चैप्टर तीन में उत्पत्ति की पुस्तक तीन अध्याय में अगर आप देखेंगे तो आप वहाँ पर देखते हैं सांप के विषय में वहाँ पर लिखा सांप सरपेंट लेकिन हिब्रू में ओरिजिनल हिब्रू में वर्ड है नखाश नाखाश नोन खैत शिन, तीन शब्दों से बनता है यह शब्द सर्पेंट टाइप सर्पेंट टाइम जो अदन के बाद और इसके पास एबिलिटी बातें करने की और हम देखते हैं कि इसने हवा को भरमाया बिगाइल्ड वुमन ग्रीक वर्ड की ट्रांसलेशन हुई है बिगाइल्ड खैर उस पर मैं बाद में जाऊंगा लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ नखाश जो वर्ड है ये बहुत यूनिक वर्ड है बाइबल में नखाश क्यों नखाश यूनिक वर्ड है अगर आप इसे देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में नखाश को कहीं भी शैतान के साथ नहीं जोड़ा लेकिन जो इंटर इंटर टेस्टामेंटल इंटर जूश लिटरेचर है मलाकी से लेके इंटर टेस्टामेंटल जूश लिटरेचर है जो मलाकी से लेके के युना देने वाले के बीच में लिखा गया है उसे इंटर टेस्टामेंटल जूश लिटरेचर कहते हैं और न्यू टेस्टामेंट पूरे का पूरा न्यू टेस्टामेंट जो ग्रीक में है वो नखाश को शैतान के संग जोड़ता है यही नखाश जो सांप है जिसे सांप कहा गया है, लेकिन ये सांप नहीं है नखाश जो है सरपेंटाइन भी हेले इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम दे रहा है बट आई एम गोइंग टू गो ऑन द रूफ टॉप हेले तो स्क्रिप्चर प्लीज आप पढ़ते रहना सब हालेलुया क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं हाले थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस हाले क्या सभी को आपको मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज मैसेज कीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है हाले हाल लुया प्लीज शूट मी अ मैसेज इफ यू कैन हियर मी हाले ओके तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो न्यू टेस्टामेंट के बीच में इंटर टेस्टामेंटल जूश लिटरेचर और न्यू टेस्टामेंट इसी नखाश को प्रकाशित वाक्य में ड्रैगन बता रहा है ये नख़ाश जो स्पिरिट बीइंग है सरपेंटाइन काइंड स्पिरिट बीइंग है यही ड्रैगन बन गया है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ नख़ाश जो वर्ड है जो मैंने आपको बताया तीन हिब्रू अल्फ़ाबेट से बनता है नुन खैत शिन नखाश नुन ख़ैत शिन नखाश आप हैरान होंगे कि ये वर्ड जो है ये नाउन भी है वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है तीनों ही है ये नाउन वर्ब और एडजेटिव। तो जब ये नाउन करके आता है बाइबल में जहाँ नाउन आता है तो ये है सरपेंट वेन नखाश कम्स एज अ नाउन इट इज सरपेंट सांप है लेकिन जब नखाश आता है एज अ वर्ब हिब्रू ग्रामर में एज अ वर्ब आता है तब नखाश का मतलब हो जाता है टू डिसीव टू डिवाइन टू एंचांट धोखा देना डिविनेशन करना या जादूगरी करना एंचांटमेंट करना तो दूसरा इसका मीनिंग यह आता है जब यह एज आ वर्ब यूज होता है यह वर्ड लेकिन जब यह वर्ड एज आ एजटिव यूज होता है तो इस शब्द का मतलब होता है शाइन चमकना लुमिनस या शाइनिंग वन चमकने वाला रोशनी वाला बिल्कुल ग्लिटरिंग। तो इजिकल 28 में और यशाया चौदह में जब हम पढ़ते हैं तो दोनों में ये शाइनिंग सरपेंटाइन के रूप में आया है चमकने वाला सरपेंटाइन क्रीचर जो पूरी दुनिया को डिसीव करता है धोखा देता है और यषाया चौदह अध्याय में इसका नाम बताया गया है जो हिब्रू टेक्स्ट है उसमें इसका नाम है Hilil. Hilil, या बेन शखार या -E जिसे कहा गया लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग लेकिन ओरिजिनल इसका नाम है हिलेल बेन शिखार हिलेल चमकने वाला और रोशनी को लेके चलने वाला ये जो ये जो स्पिरिट बीइंग है इसका नाम है हेलेल किसमें जशाया चौदह में और इट इज कॉल्ड लूसीफर इन द दर्लगेट ट्रांसलेशन जो रोमन कैथलिक चर्च ने ट्रांसलेशन किया लैटिन में उसमें इसका नाम उन्होंने कर दिया लूसीफर इसका ओरिजिनल नाम लूसीफर नहीं था इसका नाम था हीलेल हिलेल बैन शखार अब इसके ऊपर किसी दिन टीचिंग करेंगे हिलेल शखार का पुत्र बैन शखार शखार कौन है ये ये एक कैना गॉड है ये मॉर्निंग को कंट्रोल करता है एक गॉड है जो इवनिंग को कंट्रोल करता है एक गॉड है जो मॉर्निंग को कंट्रोल करता है इसका नाम शैतान का लूसीफर का नाम है हिलेल बैन शखार शखार का पुत्र है ये शखार इज कंट्रोल्स द कंट्रोल सम अदर टाइम वी विल डू स्टडी ऑन दिस तो जब हम ये पढ़ते हैं ये जो नखाश है अगर आप पढ़ेंगे ये शायद मैं बाइबल अब मैं रूफ टॉप पे आया हूँ बाइबल मैं संग में नहीं लेकर आया तो मैं अपने हाथ में पकड़ के घूम घूम के स्टडी कर कर रहा हूँ ये टीचिंग तो आप बाइबल खोलें और जशाया 14 चैप्टर निकालें इंटरनेट की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही है आयजाया फोटीन ट्वेंटी नाइन <coughs> यहाँ पे वचन लिखा हुआ है बहुत अद्भुत वचन है वो वचन ये कहता है सार में जशाया चौदह का उनतीस प्लीज़ हिंदी में टाइप कर दीजिए जशाया चौदह का उनतीस यहां पे लिखा रूट ऑफ नखाश शैल स्प्रिंग फोर्थ फायरी सर्पेंट आउट ऑफ द रूट ऑफ नखाश शैल स्प्रिंग फोर्थ फायरी सर्पेंट्स Isaiah 14 एंड वर्स नंबर 29 और अगर आप पढ़ेंगे यीशु मसीह क्या कहते हैं फरीसियों से यीशु मसीह कहते हैं फरीसियों से और सदूकियों से यूहन्ना नबी की पुस्तक यूहन्ना की पुस्तक उसका आठ अध्याय और उसका 44 वचन में ये फरीसी लोग हैं जिनसे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम यू आर ऑफ योर फादर द डेवल तुम अपने बाप शैतान की औलाद हो और अगर आप पढ़ेंगे मत्ती सा, तीन का साथ उसमें यहुना बपतिस्मा देने वाला सुदुकियों को और फरीसियों को क्या कहता है कहता है यू आर द सीड ऑफ नखाश सीड ऑफ नखाश हो तुम नखाश का सीड हो यीशु मसीह योना आठ चवालीस में यहूदियों को कहता तुम नखाश का सी डो आपको मालूम किन को कह रहा है मसीह तुम नखाश का सी डो और किन को कह रहा है योना तुम नखाश का सीडो उन्हीं को कह रहा है जिनको परमेश्वर यहोवा उत्पत्ति की पुस्तक तीन अध्याय के पंद्रह वचन में कहता है क्या कहता है जब परमेश्वर आता है अदन के बाग में तो आदम को पुकारता है आदम तू कहा है और फिर परमेश्वर क्या कहता है परमेश्वर स्त्री को कहता है कि तेरा बीज वहीं पे नखाश है शैतान नखाश जो शैतान नहीं बनाए बाद में उसे शैतान कहा जाता है लेकिन उसका नाम नखाश है नखाश को परमेश्वर कहता है वो औरत को कहता है तेरा बीज नखाश के बीज के सर को कुचलेगा तो औरत का बीज प्रभु यीशु मसीह है और नखाश का बीज कौन है फरीसी और सदुकी लोग सारे यहूदी लोग नहीं हैं यहीं से कुछ लोग एंटी सेमिटिज़म की टीचिंग देते हैं कि इज़राइल ख़त्म हो गया इज़राइल ये होगा कि विरोध में गया सारा इज़राइल शैतानी था वो ये शिक्षा देते हैं ये बहुत ही झूठी शिक्षा ही नहीं है सिर्फ़ शैतानी शिक्षा है ये सरपेंट का सीड है नख़ाश का सीड है वरीसी और सदूकी जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया है हाल लुइया हाल आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह इन्हीं फरीसियों को और सुदुकियों को मत्ती रची सुसमाचार पांच से लेकर सात अध्याय पढ़िए ध्यान से यीशु मसीह इन्हीं झूठे धर्म के ठेकेदारों को आठ बार बोलता है हाय तुम्हारे ऊपर वो अंटू यू वो अंटू यू वो अंटू यू, यू ये बोलता है यीशु मसीह आपको मालूम क्यों बोलता है यीशु मसीह ऐसे वो अं टू यू वो अंटू यू क्योंकि ये नखाश का बीज है दे आर दीड ऑफ द सरपेंट और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जब लटका है अपने जीवन के अंतिम सांस ले रहा है प्रभु यीशु मसीह और अंतिम क्षणों में अपने जीवन के यीशु मसीह कहता है पिता इन्हें क्षमा कर इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं तो कुछ लोग सोचते हैं शायद प्रभु यीशु मसीह फरीसियों और सदुकीियों के पाप को क्षमा कर रहा है बिल्कुल गलत आपने वचन को सही ढंग से नहीं पढ़ा यीशु मसीह जिन्हें कहता हाय तुम्हारे ऊपर हाय तुम्हारे ऊपर तुम चूना पुती हुई कब्रों के समान हो हाय तुम्हारे ऊपर तुम दिखावे के लिए यह काम करते हो हाय तुम्हारे ऊपर तुम मुंह से प्रभु प्रभु कहते हो दिल तुम्हारे घमंड से भरे हैं हाय तुम्हारे ऊपर क्योंकि तुम चौंकों में खड़े होके हाथ उठा के ऊंची हाँ ऊंची प्रार्थनाएं करते हो ताकि प्रभु हालेलुया इंटरनेट का बहुत बुरा हाल है अभी सबको सुनाई दे रहा है प्लीज़ मुझे बताइए कैन यू ऑल हेयर मी आप सबको सुनाई दे रहा है मैंने बहुत गहरी परमेश्वर की कला है आई प्रे दैट यू कैन रिसीव दिस मैसेज हाल लुया हालि लुया ओ राइट तो प्रभु यीशु मसीह किन्हें कह रहा है किन के लिए दुआ मांग रहा है कि पिता इन्हें माफ़ कर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं वो रोमी सिपाही हैं भाई और बहनों आपको मालूम रोमी सिपाहियों ने वो स्पंज जो था स्पंज का कपड़ा जो था ओरिजिनल में आप अगर स्टडी करेंगे वो स्पंज टॉयलेट साफ करने वाला पीस था टॉयलेट को साफ़ करते थे वो टॉयलेट साफ करने वाले पीस को इन लोगों ने सिरके में और कुछ हर्ब्स uh, के अंदर डुबोया और यीशु मसीह के होठों से छुआ सृष्टि के स्वामी दुनिया के बनाने वाले जलाल के बादशाह ब्रह्मांडों को रचने वाले महाप्रतापी परमेश्वर के मुंह में जिससे टॉयलेट साफ करते हैं वो स्पॉन्ज था वो उसको उन्होंने विनेगर में और स्पाइसेस में डुबो के यीशु मसीह के होठों को लगाया आपको मालूम रोमन क्यों ये काम करते थे रोमन्स जब किसी को देखते थे ना क्रूस पे अगर उनको दया आती थी किसी पे तो विनेगर में ये चीज़ें मिला के उसे पीने के लिए देते थे इसलिए ताकि उनकी उस बंदे की जो बहुत दुख में है उस उसकी बॉडी इंटॉक्सिकेट हो जाए उसे थोड़ा नशा हो जाए और उसे अपनी पीड़ा का एहसास ना हो उसे अपना दर्द दुख महसूस ना हो शैतान यीशु मसीह को चाहता था कि वो पूरी की पूरी पीड़ा का अनुभव ना करे पूरे दर्द की अनुभूति ना ले पूरे दुख पूरे कष्ट को ना भोगे और इंटॉक्सिकेट हो जाए लेकिन यीशु मसीह ने लेने से इनकार कर दिया भाई और बहनों क्योंकि यीशु मसीह मेरी पूरी बदकारी के दंड को भोगना चाहता था मेरे शरीर के सारे रोगों का जो पेन है दर्द है शिद्दत है उसे भोगना चाहता था मेरी पूरी बदकारी की सजा की मुकम्मल कीमत अदा करना चाहता था इसलिए उसने उसे पीने से मना कर दिया हालेलुया तो यीशु मसीह जो क्षमा करता है कहता है, पिता ने क्षमा कर वो रोमी फौजियों के लिए दुआ कर रहा है हाँ ले लुया सीड के लिए नहीं कर रहा हाँ ले अब मैं चाहता हूँ कि हम कुछ अध्ययन करें मैं आपको वर्सेस दूंगा आपने खुद अध्ययन करना है मैं अभी बाइबल खोल के नहीं पढ़ सकता अयूब तो की किताब उसका पहला अध्याय है उसका छः वचन बुक ऑफ जॉब चैप्टर नंबर वन वर्स नंबर सिक्स अयूब एक का छूब दो का एक अयुब एक का छूब दो का एक दोनों में अगर आप पढ़ेंगे यहां पे मैं बताता हूं हिब्रू में क्या है यहाँ पे लिखा है बनाए हा एलोहीम. वही शब्द जो उत्पत्ति की पुस्तक छ अध्याय में आया है परमेश्वर के पुत्र यहाँ पे भी वही शब्द है बिनाए हा एलोहीम परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सन्मुख आए और हसतान शतान भी उनके संग गया दोनों बार अयूब एक की छः में अयूब दो की एक में मैं आपको बताना चाहता हूँ बिनाए हा एलोहीम जहाँ भी बिनाए हा एलोहीम या बिनाए इलीम ये दो वर्ड हैं एक प्लूरल एक सिंगुलर है जहाँ भी ये शब्द आया बाइबल में बिनाए हा एलोहीम हिब्रू में बिनाए हा इलीम और तीसरा एक वर्ड है बिनाए एल एले, बिनाए एल लियोन बिनाए ए लियोन या बिनाए एल लियोन जो बिनाए ए लियोन का मतलब है आत्महान के पुत्र एल एलियोन यहोवा परमेश्वर का नाम है आत्मा की दुनिया में आत्मा की दुनिया में सभी स्पिरिट बीइंग यहोवा को एल लियोन कहते हैं द मोस्ट हाई गॉड आपको मालूम यीशु मसीह जब देधार के पृथ्वी पे आया तो बदरुओं में से जकड़े बदरुओं से जकड़े लोग बदरुएं सबसे पहले यीशु मसीह को पहचानती थी क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देखा था जलाल में बिगिनिंग से पहले जब यीशु मसीह ने इन्हें बनाया वो यीशु मसीह को जानते हैं और वो चिल्ला के लोगों में से क्या कहते थे कहते थे यू आर द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड पंजाबी में लिखा आत्महान परमेश्वर का पुत्र है यू आर द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड द हिब्रू फ्रेज इज यू आर द सन ऑफ दे नो एज आज द मोस्ट हाई गॉड तो ये तीन टर्म हैं पुराने ओल्ड टेस्टमेंट में हिब्रू में बिनाय हा एलोम बिनाय हा एलियोन बिनाय हा एम इन तीनों का मतलब है परमेश्वर के पुत्र और इन तीनों का मतलब है एंजल एंजालिक बीइंग ये कभी भी मनुष्य के लिए इस्तेमाल नहीं हुए ये टर्म्स बाइबल पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं भी मनुष्य के लिए सेथ की औलाद के लिए इस्तेमाल नहीं हुए जो एक गलत शिक्षा कही देते हैं कि वो तो वो तो सेथ की औलाद थे ये हमेशा बिना हा एलोहीम वर्ल्ड का मतलब है एंजालिक बीइंग अगर आप पढ़ेंगे अयूब की पुस्तक अड़तीस अध्याय एक से सात वचन पढ़िए खूबसूरत वचन है ये अभी मेरे पास बाइबल नहीं है मैं अपनी रूफ टॉप पर आपको ये टीचिंग दे रहा हूँ तो यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं बड़ी खूबसूरत मॉर्निंग स्टार एंड सन्स ऑफ़ गॉड ये एंजल्स की दो कैटेगरी हैं ब्रॉड कैटेगरी वन क्लास इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड अदर क्लास इज कॉल्ड सन ऑफ गॉड बनाए हा एलोहीम बनाए जो हेलियल है जिसे लूसीफर कहा गया है वो मॉर्निंग स्टार की क्लास से है और आप पढ़िए एक वचन पढ़िए का एक ट्वेंटी नाइन वर्स नंबर वन आप में से कोई अगर ये सब आयतें प्रिंट करे ना तो बहुत बढ़िया बात है कुछ लोग लिख सकते हैं देख सकते हैं इन वर्सेस को मुझे नहीं मालूम ब्रदर कुंदन शाह हैं हमारे साथ या नहीं तो अगर हैं तो ब्रदर कुंदन शाह हीब्रू टेक्स्ट निकाल के डाल सकते हैं कॉपी पेस्ट करके आपको हीब्रू में भी वर्ड मिल जाएंगे सारे तो शाम ट्वेंटी नाइन वर्स नंबर वन में बिनाए इलीम लिखा है सनस ऑफ एल इलोहीम के बेटे कौन है? इंजल्स हैं एंजल्स हैं हाले लुइया हाले लुइया और शाम एटी नाइन वर्स नंबर सिक्स एंड सेवन पढ़ें वहाँ पे भी वर्ड है बनायालोहीम पार्ट ऑफ द पैंथी ऑन 82 टू को अगर आप पढ़ेंगे बयासी नंबर जबूर को अगर आप पढ़ेंगे क्षमा करें मैं ऊपर बाइबल नहीं ला सका और मुझे दो दो चीज़ें पकड़ के चलना भी मुश्किल है साम अगर 82 टू पढ़ेंगे साम एटी टू बहुत अद्भुत साम है इस शाम में यहोवा परमेश्वर की सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है यहोवा सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज न्याय कर रहा है और किनका न्याय कर रहा है एक खास किस्म के एंजल का न्याय कर रहा है ये एंजल जो है इन्हें वॉचर कहा गया है ई आर ई आर हिवर्ड है ई e आर का मतलब वॉचर खास क्लास है एंजल्स की <coughs> परमेश्वर ने एंजल्स की बहुत सी डिमेंशंस बनाई है जिनका अभी हमें पूरा ज्ञान नहीं है कितनी क्लासेस कितनी लेवल्स कितने डिमेंशनस हैं अंजालिक बीइंग की जो यहोवा परमेश्वर ने बनाई हैं। लेकिन यहाँ पे यहोवा परमेश्वर कोर्ट लगा के न्याय कर रहा है साम 82:1 टू वन यहाँ पर उन्हें इलोहीम कहा गया है ने जो स्पिरिट बीइंग है आत्मा की दुनिया में हर स्पिरिट बीइंग को इलोहीम कहा जाता है ये सब एलोहीम हैं जो बिनाय है एलोहीम है महाप्रतापी परमेश्वर के पुत्र हैं प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो फिर प्रभु उनके ऊपर जजमेंट पास करता है ये पूरा जबूर पढ़िए इस जबूर के अंदर वर्डिक्ट है यहोवा की सुप्रीम कौंसल का अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कौन सा वर्डिक्ट है कौन सी जजमेंट है छः और सात वचन अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है यू आर बेनाए अलोहीम तुम पर जीवते परमेश्वर के पुत्र हो बट नाव यू विल डाई एज मैन पर अब तुम मनुष्यों की तरह मर जाओगे परमेश्वर इन वॉचर को क्या कह रहा है एंजल को कि तुम इमोटल थे तुम अमर थे तुम कभी ना मरते लेकिन अब तुम मरोगे तो मैं बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर ये वर्डिक्ट देता है ये कौन है ये वॉचर ये वॉचर भाइयों और बहनों वो हैं जब निमोद जो था उसने पूरी पृथ्वी के लोगों को इकट्ठा किया निमरोद ने और निमरोद ने जब पूरी पृथ्वी के लोगों को इकट्ठा किया और पूरी पृथ्वी के लोगों को इकट्ठा करके निमरोद ने क्या आह्वान दिया उन्हें निमरोद ने उनसे कहा आओ हम अपने लिए एक नाम करें आओ हम अपने लिए एक बुर्ज बनाएं आओ हम अपने लिए एक नगर बनाएं ताकि हमें तितर बितर होना ना पड़े आपको मालूम जब परमेश्वर ने जल प्रलय भेजी जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नू और नू के घराने को आशीष दी नू ने यह परमेश्वर के लिए जगवेदी पे कुर्बानी दी योबा परमेश्वर ने उसकी सुगंध को सूंघा और यहोबा परमेश्वर प्रसन्न हुआ और यहोबा परमेश्वर ने नू को नू के घराने को आशीष दी कौन सी आशीष दी वही आशीष दी जो उसने आदम को दी थी क्या आशीष है फलों फूलों और पृथ्वी को भर दो और सब कुछ जो मैंने बनाया उसको अपने वश में कर लो ये यहोवा होवा की आशीष है यही आशीष आदम और हवा को दी थी अब परमेश्वर ने जल प्रलय भेजी वो जो मिंगल्ड सीड था नफलीम थे दानव थे तरह तरह के क्रीचर थे जो डीएनए को टेम्पर किया था परमेश्वर की क्रिएशन को जो गलत बिगाड़ने की कोशिश की थी परमेश्वर ने उन सबको जल प्रलय में मार दिया और परमेश्वर दोबारा से दुनिया बना रहा है तो परमेश्वर फिर वही बरकत देता है फलो फूलो पृथ्वी को भर दो पूरा अधिकार लो जो कुछ मैंने बनाया ब्रह्मांड में लेकिन मनुष्य क्या करता है निमरोद नाम का व्यक्ति निमरोध के विषय में मैंने आपको पहले बताया कि निमरोद के अंदर वही सीड आ गया निमरोध ने मैंने बताया वहाँ पे जो वचन है उत्पत्ति की पुस्तक दस लिया के पाँच छः वचन में लिखा है निमरोध विज्ञान टू बी अ माइटी हंटर वो हंटर था वो हंटर भी एक वर्ड प्ले है पन है ई जिसका मतलब है वो इंसानों की सोल की हंटिंग करता है इंसानों की जान को जान का शिकारी है इंसानों की सबको इकट्ठा करता है अपनी लीडरशिप में यह पहला बंदा है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ला रहा है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ला रहा है वन करेंसी वन किंग टू रूल द वर्ल्ड वन कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द एंटायर यूनिवर्स ये वो व्यक्ति है जो ताकतें अब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ला रही हैं न्यू एज को लेकर आ रही हैं न्यू अवेकनिंग जिसे वो कह रहे हैं पूरी दुनिया को शट डाउन किया ना उन्होंने इस वायरस की आड़ में ये वही लोग हैं ये निमरोद के खानदान के निमरोद जड़ है और अगर वचन आप पढ़ेंगे ध्यान से निमरोद ही एंटी क्राइस्ट है जो वापस आएगा लिखा है ऐसा कलाम में निमरोद विल कम बैक एज एंटी क्राइस्ट तो परमेश्वर ने जो कहा उसके विरुद्ध रिबेल किया कुछ लोग स्कॉलरली लोग मानते हैं कि निमरोद का मीनिंग होता है रिबेलियन ये पहला बंदा है पुराने नियम में जिसने जूश नाम नहीं रखा है अपना निमरॉड सम मैनी स्कॉलर बिलीव दिस इज़ अकेडियन कैनानाइट सम काइंड ऑफ अ मिक्स्ड नेम एंड इट मीन्स रिबेलियन तो वो क्या कहता है वो कहता है हम अपने लिए नाम करें लेट अस मेक शैम शैम यहोवा के नाम के लिए यहूदी लोग जब यहूदी लोग कभी योवा लो नहीं कहते वो हशेम कहते हैं हशेम शैम का मतलब उसका नाम तो वो कहता हम अपने लिए शैम बनाएं अपना नाम करें अपने लिए गुम्मट बनाएं और वो शैतानी ताकतों के संग मिलके सेकंड हेवन तक पहुंचना चाहता था और वहाँ जो वर्ड है जेनेसिस टेन फाइव सिक्स में हिब्रू वर्ड है खलाल खलाल जिसका मतलब है म्यूटेशन करना अपने डीएनए को चेंज कर लेना उसने किसी ऐसे प्रोसेस के द्वारा अपने डीएनए को चेंज कर लिया पाठली इमोटल था निमरोद और वो पूरी पृथ्वी को इकट्ठा कर रहा है निमरोद परमेश्वर चाह रहा है कि पूरी पृथ्वी फिर से भर दी जाए पूरी पृथ्वी के ऊपर लोग बसे लेकिन वो टावर ऑफ बाबल बना रहा है हाँ तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये साम 82 है ये इसी की डिस्क्रिप्शन है ये होवा परमेश्वर क्या कहता है चैप्टर इलेवन ऑफ जेनेसिस में यहोवा परमेश्वर कहता आओ हम चलें और देखें क्योंकि मनुष्य ने जो काम करने का इरादा किया है वो इसे पूरा कर लेगा तो यहोवा परमेश्वर एक हेवनली बीइंग की मंडली लेके आता है जिसे हम वॉचर कहते हैं बीइंग की एक मंडली आती है यहोवा के संग और यहोवा परमेश्वर उनकी लैंग्वेज को कंफ्यूज कर देता है फिर यहोवा परमेश्वर क्या करता है सुनिए ध्यान से बहुत अद्भुत हैं ये बातें आप आपके लिए और इन्हें आपको सीखना चाहिए जब बाबुल के बुर्ज पे यहोवा परमेश्वर आता है यहोवा परमेश्वर पृथ्वी की कौमों को त्याग देता है पृथ्वी की जातियों को यहोवा परमेश्वर डिवोर्स कर देता है पढ़िए आप रोमियों की पत्री एक अध्याय उसके अट्ठारह वचन से लेके वचन प्रे पुलूस लिखता है कि उन्होंने यहोवा को जाना तो सही पर उन्होंने यहोवा की ना तो बढ़ाई की ना उसका धन्यवाद किया पर उनके मूर्ख मन अंधेरे से भर गए वो अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बने और उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को बदल दिया सृष्टि में बदल दिया नाशवान जानवरों में चौपायों में बदल दिया पंछियों में रिंगने वाली चीज़ों में और मनुष्य की समानता में बदल दिया उन लोगों ने यह को त्याग दिया तो प्रभु ने क्या किया गॉड अबेंडन दैम प्रभु ने उनको त्याग दिया टू देयर रेप्रोबेट माइंड मैंने आपको बताया तीन तरह से जजमेंट आती है ये की परसों बता रहा था आपको पहली स्टेज में यह आपको छोड़ देता है यह आपकी ताड़ना नहीं करता आप जो चाहो करो आपको सजा नहीं देता वो थोड़े समय के लिए क्योंकि आपकी सजा इकट्ठी की जा रही है एक ही इंस्टॉलमेंट में सजा मिलेगी जो उसके सच्चे पुत्र पुत्रियां वो छोटी छुट छोटी गलती करते हैं ये होवा छिट्टी चलाता है उन्हें ताड़ता है जिससे जिस, जिस पुत्र से वो प्यार करता है उसकी ताड़ना करता है हाल लु ताड़े तो ये अच्छी बात है प्रभु यहोवा उनको त्यागता है बाबुल के बुर्ज पे पृथ्वी की कौमों को और पृथ्वी की कौमों को किन के हवाले करता है वो जो वॉचर ये होवा के संग आए हैं फरिश्ते संग आए हैं वो सत्तर थे बहुत सारे जो लोग मानते हैं सेवनटी थे उन सेवनटी के हवाले कर देता है अगर आप पढ़ेंगे जेनेसिस की पुस्तक उसका दस अध्याय पढ़ेंगे तो नू के तीन बेटों में से सत्तर कौमें निकली हैं एक एक कॉम को एक एक वॉचर के हवाले कर देता है यह होवा यह कहता है अब तुम इनके थ्रू मुझे मिलोगे मैं डायरेक्ट तुम्हारे संग डीलिंग नहीं करूँगा और उन वॉचर को उनके ऊपर यहोवा अपॉइंट करता है और बयासी जबूर में यहोवा परमेश्वर उन वॉचर का न्याय कर रहा है क्योंकि वो वॉचर करप्ट हो गए हैं वो करप्ट हैं उनके अंदर गंदगी आ गई है वो बुराई से काम कर रहे हैं वो यहोवा के काम को सही ढंग से नहीं कर रहे इसलिए यहोवा परमेश्वर उनका त्याग उनको सजा दे रहा है यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि तुम बनाए एलोहीम थे लेकिन तुम मनुष्यों की तरह मरोगे हाल अब मैं आपको चाहता हूँ आप वचन पढ़ें एक बाकी मैं टीचिंग आपको सुबह दूंगा ये बहुत डीप टीचिंग है मैं चाहता नहीं इसमें से कुछ मिस हो तो व्यवस्था विवरण उसका बत्तीस अध्याय निकालिए जल्दी से व्यवस्था विवरण बत्तीस अध्याय और मैं चाहता हूँ प्लीज़ कोई एक चंद बत्तीस की छः आयत को प्रिंट कीजिए प्लीज़ व्यवस्था विवरण उसका बत्तीस अध्याय उसकी छः आयत <coughs> प्रिंट कीजिए प्लीज़ मैं आपको और डिटेल में स्टडी दूंगा कौन कौन से ओरिजिनल स्क्रिप्ट हैं कौन कौन सा ओरिजिनल स्क्रिप्ट है और आ, अलिपो कोडेक्स क्या है लेनिनग्राड कोडेक्स क्या है कोडेक्स वेटिकानस कोडेक्स आ, साइनाई कौन सा है डेड सी स्क्रोल कौन से कौन से हैं सेप्टुआजेंट क्या है मेसोरेटिक टेक्स्ट क्या है कुमरान स्क्रोल क्या है ये सब प्राचीन पांडुलिपियां हैं परमेश्वर के कलाम की हाली लु किसी ने टाइप नहीं किया टाइप ऐसे नहीं पूरी आयत लिखनी है भाई मल्कित जी बत्तीस की छः में लिखा क्या है वो टाइप कीजिए हाली लु व्यवस्था विवरण बत्तीस की छः में लिखा क्या है उसे टाइप कर व्यवस्था विवरण बत्तीस की छे क्या लिखा है व्यवस्था विवरण बत्तीस की छे बाइबल में भाई गूगल सर्च करें हाँ आगे व्यवस्था विवरण बत्तीस की छे क्या कहता है प्रभु हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो क्या वह तुम्हारा पिता नहीं यही है बत्तीस की छे हाँ व्यक्त वाला पिता नहीं है जिसने तुमको मोल लिया है उसने तुमको बनाया और स्थिर भी किया है आगे पढ़े आगे आगे पढ़िए प्लीज अरे लुया